Hello and good morning everyone. I welcome you all at Diverse IAS. I hope everyone is doing well. So today is 6 August 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. Okay, so The Hindu और Indian Express को हमने यहाँ पे compile किया है और जो भी दोनों newspaper से important articles हमारे लिए निकल कर आ रहे हैं उन्हें हम यहाँ पर discuss करेंगे. तो आज के topics हम पहले देख लेते हैं. First article आप सभी को पता है कल से ही पूरे newspaper में पूरे आपके social media में यहाँ पर होगा, हसीना falls प्लीज आर्मी टेक्स ढाका. तो यहाँ पर बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वहां की जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है और रिजाइन करने के बाद वो कहाँ इंडिया में आई हैं, अब उसके बाद कहाँ जाएंगी अभी इसके बारे में हम देखेंगे. सेकेंड आर्टिकल है हमारा ये द हिंदू से यहाँ पर रिलेट करता है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल. तो यहाँ पे श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के अंदर यहाँ पे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है. अभी वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल क्या होती है इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे. थर्ड आर्टिकल है हमारा द इशू ऑफ इंस्टीट्यूशनल वॉयलेंस. ये हमारा एडिटोरियल सेक्शन का है कि इंस्टीट्यूशनल वॉयलेंस जो हो रहा है ना, तो यहाँ पर इसमें बहुत सारे इशूज हैं, उन इशूज को हम एड्रेस करेंगे. पावरिंग इंडियाज फ्यूचर. फिर हमारा फिफ्थ आर्टिकल है पीएम मुद्रा स्कीम. तो यहाँ पर क्या हुआ, पीएम मुद्रा स्कीम के तहत पहले जो लोन था वो 10 लाख रुपीस तक का था, अब उसे यहाँ पर इंक्रीज करके 20 लाख रुपीस कर दिया गया है. तो पीएम मुद्रा स्कीम क्या है, इसमें क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. एंड द लास्ट आर्टिकल हियर इज रुपीज फॉल्स ऑल टाइम लो. यहाँ पर जो इंडियन करेंसी है, इंडियन रुपीज है, वो क्या हो रहा है डॉलर के कंपेरिजन में, डॉलर के रिस्पेक्टिव में यहाँ पर फॉल हुआ है. तो ऑल टाइम वॉल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा. इसके क्या इम्प्लीकेशन है, लाइक एफडीआई जो है, बहुत सारा जो एफडीआई हुआ है वो हमारा पुल आउट हुआ है इंडिया से, तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है, चिंता की बात हो सकती है. पूरे एनालिसिस की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल एडुवर्स आईएएस, ये चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए. ये इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं. देखिए पूरे न्यूज़पेपर में ये द हिंदू का, सॉरी ये इंडियन एक्सप्रेस से हमने निकाला है. ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आप देखेंगे फ्रंट पेज से ही आपको ये पूरा दिखाई दे रहा कि हसीना फॉल्स प्लीज आर्मी टेक्स ढाका. तो अब आर्मी में, सॉरी आर्मी ने यहाँ पर क्या किया, ढाका के ऊपर कंट्रोल कर लिया है. ओके, यहाँ पर आप देखिए द हिंदू में भी ये आर्टिकल आया हुआ कि हसीना क्विट्स प्लीज बांग्लादेश लैंड इन इंडिया एस प्रोटेस्ट सर्च. तो यहाँ पर इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है बांग्लादेश में, इतना ज्यादा कि शेख हसीना जी को यहाँ पर रिजाइन करना पड़ा और रिजाइन करने के बाद यहाँ वो अभी इंडिया आई है. ओके, तो देखिए उसके बाद आप ये फिर पढ़िए, इंडिया एंड हसीना अ 50-year-old बॉन्ड. अब इसमें से हम बात करते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है. प्रोटेस्ट हो इसलिए रहा है, पहले ये था मेन, यहाँ पर जो वहां का एग्जाम है सिविल सर्विस एग्जाम है उसमें कोटा की बात की जा रही थी. तो स्टूडेंट्स ने डिमांड करी पहले, मतलब एक्चुअली हुआ ऐसा था कि जो वॉरफेयर वाले थे उनको 30% यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा था, उसके बाद इसको चेंज करके 2 से 3% कर दिया था. लेकिन अब स्टूडेंट्स ने ये डिमांड किया कि हमें कोई भी कोटा नहीं चाहिए. ठीक है, ये सारी चीजें हुई और इसी के कारण पूरा प्रोटेस्ट होता है, ये सारी चीजें आपकी चलती रहती हैं. प्रोटेस्ट हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इसका हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. सिर्फ हम बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे, अगर इंडिया की इंडिया देखते हैं हम, भूटान देखिए, नेपाल देखिए, म्यांमार देखिए, यहां पर आपका हुआ क्या, अब बांग्लादेश की सिचुएशन देख सकते हैं, पाकिस्तान देख सकते हैं. ओके, यहां पर हमने मालदीव्स में देखा, तो हर जगह पाकिस्तान में भी यहां पर आपका आर्मी का कंट्रोल कहीं ना कहीं देखने को मिलता है आपको. कहीं ना कहीं क्या, यहाँ पे कितनी बार यहाँ पर आर्मी ने यहाँ पे कूप किया है. ओके, इसी तरीके से यहाँ पर हमें अब बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है, म्यांमार में भी यहाँ पर क्या हुआ है, आपका आर्मी ने कूप कर लिया है. तो हमारे आसपास की हमारी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है, उनके साथ ऐसी अगर सिचुएशन होंगी तो ये इंडिया के लिए क्या हो सकता है, सिक्योरिटी का सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है. आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा. अब इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलता है, यहाँ पर चाइना को मिलता है, है ना. चाइना यहाँ पर इनसे दोस्ती करता है और आप सभी को पता है फिर चाइना हमारे लिए कितना बड़ा यहाँ पर थ्रेट मिलकर सामने आता है. तो देखिए हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की. तो हम बात करेंगे फ्रॉम 1975 से लेकर 2024 तक की पूरी स्टोरी यहाँ पर देखेंगे. यहाँ पर 1971 में क्या होता है, वॉर ऑफ लिबरेशन, है ना,
जो आपका बांग्लादेश का वॉर ऑफ लिबरेशन होता है, बांग्लादेश को यहाँ पर 1971 में क्या मिलती है, इंडिपेंडेंस मिलती है फ्रॉम द पाकिस्तान, है ना, ड्यूरिंग लिबरेशन वॉर जिसको हम कहते हैं। सो इन द पाकिस्तानी इलेक्शन इन 1970, मुजीबुर रहमान अवामी लीग स्वेप्ट ईस्ट पाकिस्तान विनिंग 160 of 162 seats। तो देखिए, आपको ये सीट्स वगैरह में आपको ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको सिर्फ इतना पता करना है लिबरेशन वॉर होती है उसमें 1971 में बांग्लादेश को यहाँ पर क्या होता है, इंडिपेंडेंस मिलती है। अब इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पर क्या होता है, वेरियस कूप्स देखने को मिलता है। पहला फर्स्ट मिलिट्री कूप कब होता है, यहाँ पर 15th of August 1975 को बांग्लादेश में पहला यहाँ पर क्या होता है, मिलिट्री कूप होता है। सो द कंटेंट केम टू अ बॉयल ऑन August 15, 1975 व्हेन अ हैंडफुल ऑफ यंग सोल्जर्स असैसिनेटेड द बांग्ला बंधु एंड एंटायर हिज फैमिली एक्सेप्ट हिज डॉटर शेख हसीना। तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब कि जो शेख हसीना जी के फादर थे, आप ऐसा समझिए उनके जो फादर थे, तो उनकी पूरी जो फैमिली थी उसको असैसिनेट किया जाता है और उनको भी असैसिनेट कर दिया जाता है, लेकिन सिर्फ उनकी जो एक डॉटर होती है, इनका नाम आज जिनको हम आज बांग्लादेश की प्रेसिडेंट के नाम के रूप में जानते हैं, शेख हसीना जी को यहाँ पर ये बच जाती है और फिर ये कहाँ जाती है, आपकी इंडिया आ जाती है। कुछ दिन इंडिया में ये रहती है, वहां पर पूरा सारी चीजें होती है और मिलिट्री यहाँ पर क्या करती है, बांग्लादेश में कूप कर लेती है, ठीक है। सून उसके बाद फिर सेकेंड कूप होता है ना, जैसे 15th of August 1975 को ये हुआ, फिर 3rd of November को मतलब जो न्यू रूलर था वो ज्यादा दिन पावर में नहीं रहता, फिर से यहाँ पर होती है। फिर थर्ड कूप कब होता है, 7th of November को, ठीक है। फिर से यहाँ पर 7th of November को क्या होता है, जो लेफ्ट विंग आर्मी होती है, पर्सनल्स होती है, वो लेफ्ट विंग जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन करती है, और कोलैबोरेशन के बाद यहाँ पर 7th of November को फिर से कूप होता है। उसके बाद हम देखते हैं ऑन 24th मार्च 1982 को फिर से यहाँ पर क्या होता है, मिलिट्री का यहाँ पर जो न्यू मिलिट्री चीफ होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर कूप किया जाता है। तो इस तरीके की हमें सारी चीजें आपकी देखने को मिलती हैं। फिर आप पर फाइनली 1991 में क्या होता है, इन सारे कूप्स के बाद यहाँ पर 1991 में बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा कब 1991 में बांग्लादेश में आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यहाँ पे स्टैब्लिश होती है। उसके बाद आपने यहाँ पर देखा, फिर 2016 में फिर से यहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल यहाँ पे इरप्ट होता है, ठीक है, जिसके कारण बीएनपी जो जामता गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पर एंड हो जाती है। फिर यहाँ पे हमने सारी चीजें ये देखी। फिर हाउएवर ऑन January 11, 2007 आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोइन अहमद लेड अ कूप फॉर्मिंग अ मिलिट्री बेस्ड केयर टेकर गवर्नमेंट फारुकीन अहमद एंड इकोनॉमिस्ट वॉज अपॉइंटेड हेड गवर्नमेंट। तो यहाँ पर फिर से क्या होता है, 2007 में आपका यहाँ पर जो उनके आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोइन अहमद होते हैं वो यहाँ पर मिलिट्री कूप कर देते हैं विद केयरटेकर गवर्नमेंट। तो अभी देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है, वहां के जो चीफ हैं, बांग्लादेश आर्मी जनरल चीफ हैं, उन्होंने ये कहा है कि अभी यहाँ पर उन्होंने मतलब कि रिक्वेस्ट की है कि ढाका वाले जो जितने भी यहाँ पर रेजिडेंट्स हैं कि यहाँ पर पीस ऑन ऑर्डर को यहाँ पर मेंटेन किया जाए, और उन्होंने मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और जब से यहाँ पर हमने देखा कि मतलब वो जो शेख हसीना जी हैं वो उन्होंने इंडिया में लैंड किया, ये सारी चीजें उन्होंने मतलब रिजाइन किया, उसके बाद से जो लोग हैं, है ना, वहां की जो जनता है, आप पिक्चर्स देखिए, उनका जो पीएम रेसिडेंट था यहाँ पर चढ़ के कैसे ये सारे यहाँ पर वो कर रहे हैं, उनके घर के अंदर मतलब जो पीएम रेसिडेंस है तो सारा यहाँ पर तोड़फोड़ किया, किस तरीके से देखिए वहां पे सारी चीजें, उनके बेड में ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, है ना, पूरा तोड़फोड़ करना, ये सारी चीजें यहाँ पर आपका चल रहा है। अब इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अब ये मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला इम्पोर्ट हमारा जो बायलेटरल ट्रेड है ना, बांग्लादेश की अगर बात करते हैं, बांग्लादेश के साथ इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, बांग्लादेश इज इंडियाज बिगेस्ट पार्टनर इन सब कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश हमारा सबसे बड़ा क्या है, ट्रेड पार्टनर है। आपको ये बता दिया जाए, इंडिया इज बांग्लादेश सेकेंड बिगेस्ट पार्टनर, इंडिया जो है बांग्लादेश का सेकेंड पार्टनर है इन एशिया आफ्टर चाइना। चाइना पहले नंबर पर आता है, उसके बाद कौन आता है आपका, यहाँ पर इंडिया आता है। हम टोटल बायलेटरल की बात करते हैं, हमारा $13 बिलियन का ट्रेड होता है किसके साथ, यहाँ पर बांग्लादेश के साथ। मतलब ये डेटा है आपका 2023 and 2024 का, जहां पर ये कहा जा रहा है कि हमारा $13 बिलियन का ट्रेड होता है किसके बीच में, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। उसके बाद हम बात करते हैं, बांग्लादेश इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन फॉर इंडिया कॉटन। इंडिया में यहाँ पर जो कॉटन का प्रोडक्शन होता है, तो सबसे ज्यादा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो कहाँ करते हैं, बांग्लादेश में करते हैं,
है ना, आपको ये बता दिया जाए तो 34.9% जो हमारा बात करें मतलब 2.4 बिलियन डॉलर का जो हमारा कॉटन का ट्रेड होता है वो किसके साथ होता है, यहाँ पर बांग्लादेश के साथ होता है। ठीक है, इंडिया जो टॉप इंपोर्ट फ्रॉम बांग्लादेश, यहाँ पे जो रेडीमेड गार्मेंट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, मेनली अगर हम टॉप इंपोर्टर की बात करते हैं तो वो कहाँ से आते हैं, बांग्लादेश के से आते हैं। तो बांग्लादेश हैज इमर्ज एज अ मेजर ग्लोबल हब फॉर टेक्सटाइल, टेक्सटाइल के मामले में बांग्लादेश आपका क्या है, एक मेजर ग्लोबल हब सामने निकल कर आता है। और वहां से हम बहुत सारे जो गार्मेंट्स होते हैं, रेडीमेड गार्मेंट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, इंडिया में इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। In 2012, working paper published by the World Bank estimated that full trade agreement for goods would increase Bangladesh exports to India by 182%. ये 2012 में एक वर्किंग पेपर जो होता है उसको पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और उसमें एस्टिमेशन होता है कि अगर बांग्लादेश और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो इससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज के बीच में बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है टू इंडिया वो कितना 182% इंक्रीज हो जाएगा। तो आई होप आपको यहां पर क्लियर होगा। तो हमारा जो बायलेटरल ट्रेड है वो डिस्टर्ब होगा, जो वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं। अब देखिए इन कनेक्टिविटी की बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप मैप देखिए, सबसे पहले यहां से आपको क्लियर होगा ये है बांग्लादेश, ठीक है, और ये बांग्लादेश की बात करें यहां पर मेघालय से हमारी बॉर्डर, त्रिपुरा, ओके, और ये मिजोरम, और यहां पर हम बात करते हैं तो ये देखिए यहां पर नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया की बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे, ये 22 किलोमीटर का चिकन नेक कॉरिडोर है ना। तो अगर बांग्लादेश में यहां पर अगर चाइना का इन्फ्लुएंस आ जाता है तो सोचिए हमारा जो नॉर्थ ईस्ट से है वो पूरा कनेक्शन क्या हो जाएगा, यहां पर कट हो जाएगा। मतलब यहां पर अगर हमें हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन से ही जो सेवन सिस्टर जिसको हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, तो अगर ये 22 किलोमीटर का ये रास्ता नहीं होगा, ये कॉरिडोर नहीं होगा तो मतलब पूरी तरीके से हमारा कट हो गया। तो यहां पर क्या है, सबसे बड़ा यहां पर अभी इस टाइम पर थ्रेट है। इसी के चलते हमारा एक प्रोजेक्ट भी था, आप इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं, अखोरा अगरतला लिंक, जिसमें ये अल्टरनेटिव था कि कोलकाता से यहां पर क्या किया जाएगा, लिंक को एस्टैब्लिश किया जाएगा बांग्लादेश में डायरेक्टली यहां पर अगरतला से कोलकाता तक, ये 31 आवर्स का क्या होगा पूरा रूट होगा। तो ये भी क्या हो सकता है, हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग बन सकता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी हैज अ ग्रोइंग पार्ट ऑफ इंडिया बांग्लादेश टाइज अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ओके। जो हमारा अभी लेटेस्ट यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है इसमें भी डिस्ट्रप्शन आएगा, तो द डिस्ट्रप्शन इन इंडो बांग्लादेश टाइज कुड थस रेस्ट्रिक्ट इंडियाज एक्सेस टू नॉर्थ ईस्ट। अगर यहां पर इंडिया और बांग्लादेश के टाइज में कोई भी रेस्ट्रिक्शन आता है, कोई भी यहां पर खटास आती है, तो ये क्या हो सकता है, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट से एक्सेस है वो पूरी तरीके से यहां पर क्या हो सकता है, कट हो सकता है, ओके। सो देखिए जिसमें हम यहां पर सिर्फ जो 22 किलोमीटर का यहां पर जो एक रास्ता है, एक चिकन नेक की तरह है ना, जैसे तो वो बहुत ही फ्रेजाइल एरिया है ना। सो बिसाइड रेल देयर आर करेंटली 5 ऑपरेशनल बस रूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इंक्लूडिंग कनेक्शन फ्रॉम कोलकाता, अगरतला एंड गुवाहाटी टू ढाका। इन 2023 द कंट्रीज हैज एग्रीड टू ऑपरेशनलाइज द एग्रीमेंट फॉर द यूजेस ऑफ द चित्तौगंग एंड मोगला पोर्ट्स। तो अभी यहां पर 2023 में ही हमारे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक क्या हुआ था, एग्रीमेंट साइन हुआ था कि जो चित्तौगंग एंड मंगोल पोर्ट है ना, तो इसको हम क्या कर सके, यूज कर सके, ताकि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, हमारा ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, हम यहाँ पर कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश कर सके, इनसे अच्छे से कनेक्ट हो सके। तो आप सोच सकते हैं कि बांग्लादेश हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। यहाँ पर हमने एक एक पॉइंट्स को सारी चीजें क्लियर करी। देखिए हिंदू में तो सिर्फ इतना सा ही आया था, अब हमारे लिए दोनों न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, यहीं से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए ये इंडियन एक्सप्रेस में पूरा यहां पर एक एक पॉइंट है, जो है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे यहां पर मेंशन हुए, इसलिए हम यहां पर दोनों पेपर्स को कंबाइन करके क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है WCC टैक्स गिवर अ रेयर चांस फॉर कश्मीर क्राफ्ट्समैन टू ट्रेस देयर रूट्स एनहेंस स्किल। ओके, यहां पर अभी क्या हुआ है, कश्मीर को जो कश्मीर का जो ट्रेडिशनल आर्टवर्क है, इन सारी चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए यहां पर वर्ल्ड हम किसकी बात करते हैं, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में कश्मीर को रिकॉग्नाइज किया गया है। ओके, सो ये किसके द्वारा होता है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। ये आपका नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनेस्को से यहां पर एफिलिएटेड है। ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज एफिलिएटेड विथ यूनेस्को। ये कब स्टैब्लिश हुआ था, इन 1964। कौन, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। इसका एम ये था
to promote preservation, protection and development of traditional crafts and foster economic development through craft. तो इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें क्या करना है, हमारा जो क्राफ्ट है ना, ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, उनको प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है और डेवलप करना है. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी रिकॉग्नाइज बाय WCC. तो WCC क्या करता है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी को रिकॉग्नाइज करता है. कैसे रिकॉग्नाइज करता है, तो देखिए यहाँ पे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी रिकॉग्नाइज बाय WCC इज एन एस्टीम डेजिग्नेशन गिवन टू सिटीज दैट एक्सेल इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड आर्ट एंड आर्टिशनशिप. तो यहाँ पर ये जो हम बात करते हैं वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि कोई भी सिटी है ना, जैसे श्रीनगर की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पर क्या फेमस है. जैसे आप सभी ने सुना होगा ना, हमें कश्मीर की पश्मीना शॉल चाहिए, वो उसकी डिमांड एक तरीके से आप देखते होंगे, या आप देखते हैं कांजीपुरम साड़ी कितनी अच्छी होती है, बनारसी साड़ी कितनी अच्छी होती है यहाँ पर. तो कुछ कुछ ये क्राफ्ट ऐसे होते हैं, तो इन चीजों को प्रिजर्व करने के लिए और इसके लिए उस सिटी ने क्या क्या किया है ना, तो इसके चलते यहाँ पर उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है. सो दिस रिकॉग्निशन एक्नॉलेजेस द सिटीज कमिटमेंट टू प्रिजर्विंग प्रमोटिंग इट्स यूनिक क्राफ्ट हेरिटेज एंड सपोर्टिंग लोकल आर्टिस्ट. इससे क्या होता है कि हम जो यूनिक क्राफ्ट है उसको प्रिजर्व करते हैं, प्रमोट करते हैं, और लोकल जो हमारे आर्टिसंस हैं उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है. अगर यहाँ पर रिकॉग्निशन मिल जाता है तो उसके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, एक तो इंटरनेशनल प्रेस्टीज आपकी इस्टेब्लिश होती है, उस सिटी का जो स्टेटस होता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आपका आ जाता है. ठीक है, इससे क्या होता है, जो क्राफ्ट है उसको एक रेपुटेशन मिलती है इंटरनेशनल स्फीयर में. इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे कि ये क्या करता है, दिस डेजिग्नेशन कैन बूस्ट द लोकल इकोनॉमी बाय अट्रैक्टिंग टूरिस्ट इन्वेस्टर्स एंड बायर इंटरेस्टेड इन ऑथेंटिक क्राफ्ट. अब पश्मीना शॉल की अगर हम बात करते हैं, तो अगर उसका नाम सुनते हैं, अरे पश्मीना शॉल, तो हमें लगता है ना कि नहीं हमें पश्मीना शॉल चाहिए, तो इससे क्या होगा, लोग यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं उस चीज से, है ना, यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है, बायर यहाँ पे इंटरेस्ट होते हैं कि हाँ हमें ऑथेंटिक क्राफ्ट ही चाहिए. तो आज के टाइम पे तो और ज्यादा चीजें होती है कि नहीं हमें इस एरिया का ये वाला जो ऑथेंटिक है, वहां का जो मेन क्राफ्ट है, हमें उसकी जरूरत है, वो चाहिए. कल्चरल प्रिजर्वेशन यहाँ पर होता है ना, जी हमारा फ्यूचर जनरेशन से, मतलब कब से ट्रेडिशनली यहाँ पर चला आ रहा है, तो उसको हमें क्या करना है, हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है उसको हम फ्यूचर जनरेशन तक क्या करेंगे, आगे लेकर जाएंगे. यहाँ पर जो आर्टिसन है उनको सपोर्ट मिलता है, इनोवेशन को सपोर्ट मिलता है, और हमारी जो विजिबिलिटी है दैट इज ऑल्सो इनहेंस्ड. ओके, सो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की बात करते हैं. सो इट इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव लॉन्च इन 2014. जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रोग्राम है ये 2014 में लॉन्च किया जाता है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल. देखिए वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल को कब यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था, 1964 में, और इसके तहत यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रोग्राम. इसको 2014 में लॉन्च किया गया. आई होप आपको दोनों में यहाँ पर डिफरेंस क्लियर होगा कि हमने अभी दो ईयर से यहाँ पर डिस्कस करें, तो दोनों में यहाँ पर डिफरेंस क्या है. ठीक है, सो ये 2014 में लॉन्च किया गया था ये इनिशिएटिव बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल VCC इंटरनेशनल इन रिकॉग्निशन द पिवोटल रोल लोकल अथॉरिटीज क्राफ्ट पीपल एंड कम्युनिटीज प्ले इन कल्चरल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड. ओके, तो देखिए इस तरीके का ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि सर्टिफिकेट फॉर द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी यहाँ पर श्रीनगर को दिया गया है ना, तो इस तरीके का ये पूरा सर्टिफिकेट यहाँ पर मिलता है. तो जैसे कि हम बात करते हैं पेपरी माशे, पश्मीना शॉल्स लाइक कानी शॉल्स एंड सोनजी शॉल्स यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी होती है उसमें सच है, तो ये कश्मीर की जो ज्योग्राफी है ना, ये वहां से ओरिजिन हुआ है. तो ये सारी चीजें यहाँ हम देख सकते हैं. की फैक्ट्स की हम और बात कर लेते हैं कि क्या क्या वर्ल्ड क्राफ्ट जो काउंसिल है ना, तो ये वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जैसे अभी हमने बात करी कि ये कब आपका एस्टैब्लिश हुआ था, 1964 में. ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा यहाँ पर. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज द इशू ऑफ इंस्टीट्यूशनल वॉयलेंस एड्रेसिंग इट. यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल वॉयलेंस. आप इस पूरे आर्टिकल को अगर हम बात करते हैं, देखिए अभी यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्शन हुए, इलेक्टोरल कैंपेन हुआ, ये सारी चीजें हुई. लेकिन इस पूरे इलेक्टोरल कैंपेन में इतने सारे हमारे विमेन वोटर्स भी थी, हम बात करते हैं फीमेल वोटर्स की, विमेन वोटर्स की भी, तो उनका नंबर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रहा. लेकिन एक जो क्रूशियल इशू है यहाँ पर, ये हम सभी ने क्या किया, इसको मिस किया है. क्या हो जाता है कि जब कोई भी यहाँ पर रेप के केसेस आते हैं, डोमेस्टिक वॉयलेंस यहाँ पे केसेस आते हैं, कोई भी यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस आते हैं, तो आजकल अब थोड़ा सा एक हमारे, मतलब कि आप देखेंगे ऐसी चीजें हमारे सामने निकल कर आती हैं. डेली अगर हम बात करेंगे, हर दिन 90 यहाँ पर रेप के केसेस होते हैं इंडिया में,
90 रेप के केसेस हर दिन होते हैं, लेकिन कई बार ये कह दिया जाता है जब उसका यहाँ पर हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो ये कह दिया जाता है कि मतलब कि ये चीजें झूठी हैं, है ना। मतलब जब तक कोई हीनियस नहीं हो जाता, कोई मतलब मरते पिटते यहाँ पर सामने ना जाए एक औरत यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मतलब कि अपना FIR रजिस्टर कराने, तो यहाँ पर इस चीज को क्या कर दिया जाता है, ऐसा सोचा जाता है कि देखिए हम ये इस चीज को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि कुछ लोग इसका यहाँ पर मिसयूज भी करते हैं, मिसयूज हर एक चीज का होता है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल वायलेंस यहाँ पर हो रहा है। देखिए इंडिया इलेक्टोरल प्रोसेस प्रेजेंट अ डायक्टोमी 642 मिलियन वोटर्स एंड मोर देन हाफ ऑफ होम वर फीमेल्स। इसमें से हमारे जो 642 जो मिलियंस यहाँ पर वोटर थे उसमें से हाफ कौन थे, यहाँ पे आपकी फीमेल थी। लेकिन इसमें हम बात करते हैं, येट इन अ कंट्री वेयर 90 रेप्स आर रिपोर्टेड एवरी डे। 90 रेप्स क्या होते हैं, हर दिन आपके यहाँ पर रिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन ये जो आपका इशू है इसको सामने यहाँ पर नहीं एड्रेस किया गया है। प्रोलॉन्ग्ड एंड वर्स जेंडर बेस्ड वायलेंस इज इनकरेक्टली प्रेज्यूम्ड टू बी वन स्पेसिफिक एक्ट ऑफ वायलेंस। तो देखिए यहाँ पर जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, कहीं ना कहीं हमें इस चीज को क्या करना होगा, एड्रेस करना होगा। हम ये नहीं कह रहे कि लड़कों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है या लड़कों की जो मेल है उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली मतलब ऑफकोर्स इट है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं, देखिए अगर कोई लड़की कोचिंग जा रही है, हम कोचिंग जा रहे हैं, कुछ भी है, रात से अगर घर से वापस आना है, मतलब कहीं से आप वापस आ रहे हैं तो आपको एक खतरा रहता है, मतलब खतरा हम नहीं कह रहे हैं, डर तो रहता है कि अरे कहीं कुछ हो ना जाए, है ना। एक लड़का है और एक लड़की है, अभी आपने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखेंगे होली के टाइम पर, है ना, कि क्या होता है कि एक बाइक पर एक लड़का होता है एक लड़की होती है, दोनों मतलब कि बाइक से स्लिप हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है जो क्राइम मतलब कि यहाँ पर जो आपकी भीड़ होती है वो किसको सिर्फ टच करती है, यहाँ पर लड़की को टच करती है, इवन उसके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसको भी टच करने की कोशिश की जाती है। होली में सबसे ज्यादा आपको ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, नॉट ओनली होली, ठीक है, आप देखते हैं कि लड़कियों पर यहाँ पर जो बलून्स होते हैं वो यहाँ पर सिर्फ उन पर टारगेट किया जाता है, तो ऐसी चीजें यहाँ पर है। लेकिन कई बार क्या होता है, सो देखिए इंस्टीट्यूशनल वायलेंस अगेंस्ट सर्वाइवर स्टार्ट इवन बिफोर द रिपोर्टिंग प्रोसेस। यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल वायलेंस कैसे स्टार्ट होता है सर्वाइवर का, प्रोसेस को रिपोर्ट करने से पहले ही, इन्फ्लुएंसिंग देयर डिसीजन टू कम फॉरवर्ड। फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट यहाँ पे एक बार पब्लिश हुई थी 2019 में, जेपाल अ ग्लोबल पॉलिसी थिंक टैंक शोड दैट 39% ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ इंडिया थिंक दैट कंप्लेंट्स ऑफ जेंडर बायस वायलेंस आर यूजली बेसलेस। तो वहां पर 39% जो ऑफिसर्स होते हैं ये सोच लेते हैं कि ये जो केस है वो यूजलेस है, ऑलरेडी यहाँ पर वो खुद ही यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं कि इस केस में कुछ होने ही वाला नहीं है। ओके, वुमेन ओनली सीक जस्टिस वेन देयर सर्कमस्टेंसेस बिकम अनबियरेबल। वुमेन को यहाँ पे जस्टिस कब मिलता है, जब उनकी जो कंडीशन होती है वो अनबियरेबल हो जाती है ना, डिस्पाइट वन इन विमेन फेसिंग इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। यहाँ पर जो डोमेस्टिक वायलेंस भी है ना, इंटीमेट उनका जो पार्टनर है वो अगर वायलेंस कर रहा है फिर भी उस केस में भी उनको जस्टिस नहीं मिलता है। इंडिया हैज वन ऑफ द लोएस्ट डिवोर्स रेट्स। अब इंडिया में एक आपका यहाँ भी एक मिथ में चलता है कि कुछ भी हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, हमारा पति हमें कितना भी मार ले पीट ले, लेकिन हमारा पति क्या होता है, हमारा परमेश्वर होता है, और जो डाइवोर्स है उसको तो हम सोच ही नहीं सकते कि हाँ हमें डाइवोर्स जैसी कुछ नाम की चीजें होती हैं। तो ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो डाइवोर्स रेट है वो लो है, कहाँ, इंडिया में सिर्फ ओनली 1% है ना। सो ये सारी चीजें यहाँ पर क्या एस्टेब्लिश कर रही है कि कितना भी वायलेंस हो जाए तो फिर भी यहाँ पर इंडिया की हम स्पेशली बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो डिवोर्स जैसे यहाँ पर कोई सिचुएशन आती नहीं, स्पेशली रूरल इंडिया की दिस इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब यहाँ पर एक आपका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि हियर यू विल सी दैट अ वुमन वंस अप्रोच अस विद ब्लीडिंग वेन्स, फाउंडर ऑफ समर्था आर डी नोटिफाइड नॉर्मेडिक ट्राइबल यूथ एंड वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। वहां पर एक लड़की होती है, एक वुमेन होती है, उसकी वेन से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती रहती है। सो वी कंप्लेन हर टू द पुलिस स्टेशन टू फाइल अ कंप्लेन एंड द कॉप्स टोल्ड अस टू स्टेप साइड सो दैट दे कुड टॉक हर अलोन। पर यहाँ पर जैसे कि एक लड़की होती है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास एक लड़की जाती है, खून वगैरह पूरा ऐसे ब्लीडिंग वगैरह यहाँ पर होती रहती है, पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में उनसे कहा गया कि हमें कुछ टाइम दीजिए, हम इनसे बातचीत करें। तो देखिए यहाँ पर कई बार ऐसी चीजें हो जाती है कि हमें जस्टिस अगर चाहिए तो उस जस्टिस को पाने के लिए भी हमें बहुत सारी चीजों से यहाँ पर क्या होना पड़ता है, इनजस्टिस को फेस करना पड़ता है। ये बहुत अच्छी लाइन है, गेटिंग जस्टिस इन इंडिया कैन लीड टू अ लॉट ऑफ इनजस्टिस। अगर आपको जस्टिस चाहिए तो इसके लिए भी आपको बहुत सारे जो इनजस्टिस है उनसे यहाँ पर फेस करना पड़ता है।
आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन यही कहा जा रहा है कि देखिए ऐसा नहीं है कि इंडिया में लॉ नहीं, बहुत ही स्ट्रांग लॉ है, लेकिन इसका क्या है, वीक इम्प्लीमेंटेशन है। स्ट्रांग लॉज तो हैं बट उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज वेरी वीक। तो हमें सबसे पहले जो लॉज है उनका प्रॉपर तरीके से इन्फोर्समेंट कराना होगा। सेकेंड, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस। हमें यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि अगर हमारा पति हमें मार रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, कोई अच्छी बात नहीं है, आप जाके कंप्लेन करिए। यहाँ पर यू आर ऑल्सो अ ह्यूमन बींग, आप भी एक ह्यूमन बींग हैं। यहाँ पर अपने आप को ये मत सोचिए कि नहीं हम औरत हैं तो हमारा सिर्फ काम क्या है, किसी को सर्व करना ही है, है ना। तो यहाँ पर एक अवेयरनेस होनी चाहिए लड़कियों को, यहाँ पर लिटरेट करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो केसेस आ रही हैं, जो चीजें आ रही हैं, हम इससे यहाँ पर क्या सकते हैं, इस निकल कर सामने आ सकते हैं। आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ क्लियर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज पावरिंग इंडियाज फ्यूचर। अब इसमें ये कहा जा रहा है जैसे जैसे इंडिया की फ्यूचर यहाँ, मतलब कि इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही तो हर एक चीजों की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है आप सभी को पता है, कोल से। तो अब हमारा टारगेट ये है कि 2070 तक हमें क्या करना है, नेट जीरो एमिशन को यहाँ पर अचीव करना है। अभी कैसे होगा, इसके लिए हमने क्या किया, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस लाइक सोलार पावर प्लांट्स, है ना, विंड एनर्जी रिसोर्स, विंड पावर प्लांट, हम यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रो पावर प्लांट्स, यहाँ पर हम H2 जो है हमारा ग्रीन हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो ये कुछ चीजें हैं जिसके तहत हम क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ चीजें हैं, लाइक देखिए द फर्स्ट ईयर यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन थ्रू द सौभाग्य स्कीम, आपकी एक सौभाग्य स्कीम आई थी, इसके तहत ये कहा था कि हर एक घर में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, मतलब हर घर में हमने इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया। अब उसे एनर्जी जाए ना जाए वो अलग बात है, लेकिन आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हुआ। तो 2020 में यहाँ पर 97% जो हाउस होल्ड्स है यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, ठीक है। सेकंड, हमने ये देखा द कंट्री सॉ 5-fold इंक्रीज इन इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी। हम यहाँ पर फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है ग्लोबली जिसमें हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको यहाँ पर इंस्टॉल किया है। सो थर्ड, देयर वॉज अ 40% ड्रॉप इन एग्रीगेट लॉसेस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। यहाँ पर क्या हुआ है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का 40% जो है यहाँ पर जो डिस्कॉम है वो एग्रीगेट जो लॉस है वो यहाँ पर हमें कम दिखाई दिया है, ओके। अब लेकिन धीरे धीरे क्या हो रही है, यहाँ पर डिमांड जो है बढ़ रही है, तो ये जो कंसर्न है इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा टारगेट है ना 500 गीगावाट का 2030 से, अब इसे हमें क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। अगर हम चाइना की बात करते हैं और अदर कंट्रीज की बात करते हैं तो एज ऑफ नाउ चाइना ने यहाँ पे 144 गीगावाट तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर स्टैब्लिश कर ही चुका है, स्टैब्लिश कर लिया। अभी हम यहाँ पर इतना भी नहीं कर पाए, मतलब इतना तो नहीं कहेंगे, सॉरी, चाइना ने यहाँ पे 30 गीगावाट जो है एज ऑफ नाउ 2024 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर चाइना ने इसको क्या किया लाए, ये सोलर और विंड कैपेसिटी जनरेट कर ली है। यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं 73 गीगावाट, इंडिया में यहाँ पे 144 गीगावाट पर हम यहाँ पे स्टैंड है, और हमारा जो 128 गीगावाट है वो अभी भी पाइपलाइंस में है। तो ये थर्ड इसमें कहा जा रहा है कि हमें क्या करना होगा, हमारी जो अवेलेबिलिटी है, कुछ इम्प्लीमेंट मेजर्स यहाँ पर हमारी जो एनर्जी की अवेलेबिलिटी है उसको यहाँ पर इम्प्रूव करना होगा, जिससे कि ये ना हो। अब देखिए प्रॉब्लम ही आ रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, सोलार पावर प्लांट्स हैं, आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ग्रीन हाइड्रोजन है, इनको भी इंस्टॉल करने के लिए हमें एक टेक्नोलॉजी की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, सारी चीजें। तो हम एक, मतलब इतनी जल्दी हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिशन तो हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा, हर एक चीज में क्या होता है आपका टाइम लगता है। तो अभी यहाँ पर जो हम बात करते हैं पंचामृत ने आपने सुना ही होगा, ये जो हमारा 26 जो COP 26 हुआ था इसमें इंडिया ने क्या किया था, 5 नेक्टर एलिमेंट्स जिसको क्लाइमेट एक्शन से हम कैसे डील कर सकते हैं उसको यहाँ पर डिस्कस किया था, लाइक 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, ये इंडिया के एलिमेंट्स हैं, ओके। हमें क्या करना है, जनरेट करना है 50% ऑफ इंडिया एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 तक 50% जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कहां से आएगी, आपके रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से आएगी। रिड्यूस टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ टू 2030। तो यहाँ पर जो कार्बन एमिशन है हम उस 1 बिलियन टन उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। फिर हमें जो कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय 45% बाय 2030 एंड अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय 2070। तो ये हमारे क्या है, पंचामृत
क्लाइमेट एक्शन से डील करने के लिए। तो ये आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि कौन कौन से पंचामृत है। आपसे यहाँ पे स्टेटमेंट के बेसिस पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज एमपीए ऑन मुद्रा लोन्स हैव कम डाउन इन 23 एंड 24 सेज निर्मला। ओके, तो यहाँ पर ये कहा है जो एनपीए होता है थ्रू, एनपीए क्या है, एनपीए है आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल आपने क्या क्या लोन लिया, ठीक है। तो अब आपका एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट, जितना आपने यहाँ पे लोन लिया प्लस उसके साथ आपका इंटरेस्ट लगता है। लेकिन फॉर 90 डेज आपने क्या किया, ना तो यहाँ अपना ईएमआई पे किया, ना ही अपना इंटरेस्ट यहाँ पर पे किया, और ना ही प्रिंसिपल की तो बात ही छोड़ो, आपने इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं किया कंटिन्यूसली यहाँ पे 90 to 91 डेज। तो वो जो एसेट होता है उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में क्या कर लिया जाता है, आपका रख लिया जाता है। तो अभी यहाँ पर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि मुद्रा लोन्स के तहत यहाँ पर जो एनपीए है उसमें हमें कमी देखने को मिली है। तो ये क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करते हैं। इसे यहाँ पर 2015 में लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये आपकी लॉन्च हुई थी कब, 2015 में। इसका प्रोवाइड किया था कोलैटरल फ्री इंस्टीट्यूशनल लोन अप टू 10 लाख फॉर स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस। जो यहाँ पर स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं उन्हें 10 लाख रुपीज तक का क्या देना, यहाँ पर लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा इंडिया का। इसको तीन कैटेगरीज में क्या किया गया था, आपका डिवाइड किया गया था, जिसमें नाम भी आपके शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु में यहाँ पर अप टू 50,000 तक का क्या दिया जाता है, यहाँ पर लोन दिया जाता है। किशोर में यहाँ पर 50 से लेकर 5 लाख रुपीज तक, और तरुण में यहाँ पर 5 लाख टू अप टू 10 लाख। अब इसी को यहाँ पर इंक्रीज करके 20 लाख रुपीज की यहाँ पर बात की जा रही है। सो देयर इज नो सब्सिडी फॉर लोन्स गिवन अंडर पीएमएमवाई, हाउएवर इफ लोन प्रपोजल इज लिंक्ड टू सम गवर्नमेंट स्कीम वेर इन गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग कैपिटल सब्सिडीज इट विल बी एलिजिबल अंडर पीएमएमवाई ऑल्सो। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर कैसे बोरोवर्स यहाँ पर क्या होते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं उसको यहाँ पर इनेबल किया गया है। फॉर एग्जांपल रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज यहाँ पर जो है ये क्या करती है, जो नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज है उनके लिए। देखिए एक होता फार्मिंग से आपका इनकम जनरेट होगा, लेकिन हम एक क्या करें यहाँ पे जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है उनके लिए हम यहाँ पे अप टू 10 लाख रुपीज तक का क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। और ये लोन कौन देगा हमें, ये सारे जो हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर पीएसयूज वगैरह सारी चीजें हैं। ओके, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कौन कौन एलिजिबल है। सो एनी सिटीजन, इंडियन सिटीजन हु हैज बिजनेस प्लान फॉर नॉन फार्म सेक्टर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग। तो कोई भी पर्सन जो ऐसा करना चाहता है नॉन फार्म एक्टिविटीज, उसको प्रोसेसिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग सारी चीजें करनी है, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, 10 लाख रुपीज तक का यहाँ पर लोन ले सकता है। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा पॉइंट जो है क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे रुपीज फॉल टू ऑल टाइम लो 84.09 अगेंस्ट डॉलर, एफपीआई पुल आउट 1.2 बिलियन डॉलर। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब वन रुपीज आपका कितने इक्वल है 84.09 डॉलर, सॉरी यहाँ पर वन डॉलर इज इक्वल टू रुपीज 84.09। तो अब तक का सबसे बड़ा ही फॉल है हमारा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पे पुल आउट कर रहे हैं इंडियन मार्केट से। सो दिस ये क्या कर रहा है, और ज्यादा यहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो यूएस जॉब डेटा में यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये डिसअपॉइंटिंग है हमारे लिए, यहाँ पर जो अर्निंग रिपोर्ट है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये डिसअपॉइंटिंग है। तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि यूएस का रिसेशन ये भी एक बहुत बड़ा फियर है, जिसकी वजह से यहाँ पर रुपीज में क्या हो रहा है, हमारा फॉल डाउन देखने को मिल रहा है। तो अभी सिर्फ आपको इतना ही यहाँ पर याद रखना है, बाकी चीजें आपके लिए आगे आपके निकल कर आएंगे। ओके, सो आज के न्यूज पेपर में इतना ही था, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हम इसमें और भी चीजें आपको इंक्लूड करके देंगे। अब यहाँ पर हम आंसर राइटिंग भी इंक्लूड करेंगे कि कैसे कैसे हैं, और प्रीलिम्स के जो पीवाईक्यूज हैं उन्हें भी हम यहाँ पर 3-4 पीवाईक्यूज जो हैं डेली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ओके, सो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हों। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में फ्रीली यहाँ पर पूछ सकते हैं कॉमेंट करके, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, वो भी आप अपने सजेशन यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।